हेलो गाइस वेलकम टू द चैनल आज के इस वीडियो में मैं पाँच सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने जा रहा हूं फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम आईक्यू को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप पर आपको डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाते हैं वैल well, आज पाँच सप्तम्बर है आज हम टीचर्स डे ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारे इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेजिडेंट डॉक्टर स्वर्गपली राधा कृष्ण जी का आज दिवस होता है देखो टीचर्स डे दे सबको पता है आज पाँच सप्तम्बर को एक और इम्पोर्टेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है लेट्स सी कि कितने स्टूडेंट विदाउट सर्च किए हुए विदाउट गूगल किए हुए मुझे बता सकते हो कल हम एम सी क्यू फॉर्मेट में कवर कर लेंगे इंपॉर्टेंट डेज की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ बट मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कमेंट करके कि कौन सा इंपॉर्टेंट डे आज हम टीचर्स डे के साथ आज ऑब्जर्व करते हैं शुरुआत करता हूँ मैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तो सबसे पहले रोज की तरह ये पाँच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो इन क्वेश्चन से आपके मैं लास्ट सिक्स मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज करवा रहा हूँ सो so, कोशिश करा करें इनके आंसर्स बताने की आपको आंसर्स मैं प्रोवाइड करता हूँ एट द एंड ऑफ द वीडियो बट कोशिश करें पहले खुद बताएं हु हैज टेकन ओथ एज अ ट्वेंटी सिक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका ये बताइए साइक्लोन असानी जो मे मंथ में एक्टिव था बे ऑफ बंगाल में इसी का ना एक ट्विन साइक्लोन है साउदर्न हेमी स्पेयर में तो आपको बताना है कि जो ट्विन साइक्लोन इसका नाम जो साउदर्न हेमी स्पेयर में एक्टिव रहता है तो उसका क्या नाम है ट्विन साइक्लोन का नाम बेसिकली आपको बताना है साइक्लोन असानी के रिसेंटली कार्बन डेटिंग फाइंडिंग ऑफ एक्सकवेशन इन तमिलनाडु हैज फाउंड द एविडेंस ऑफ विच एज फोर्थ वन इज विच इज द होस्ट कंट्री ऑफ शिंगाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर मीटिंग जो हुई है 2022 में तो आपको बताना है होस्ट किसने किया ये बताइए एंड लास्ट वन है किसने शपथ लिया एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा तो ये पांच क्वेश्चन जरूर बताएं शुरुआत कर रहा हूं मैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सो so, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द नाइनटीन्थ इंटरपोर इंटरपोर जनरल असेंबली विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन अक्टूबर मंथ में होगा बेसिकली तो बताना आपको ये मीटिंग है जो नाइनटींथ यानी कि नब्बे यानी कि नाइनटीथ इंटरपोल जनरल असेंबली मीटिंग कौन सा सिटी होस्ट करेगा हमारे इंडिया का यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है देखो तो इंटरपोल के हेडक्वार्टर्स लियोन फ्रांस में है सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है एंड कहाँ पे होगा जी ये होस्ट करेगा जी हमारा कैपिटल न्यू दहली वेरी इंपॉर्टेंट ये आप याद रखें अक्टूबर मंथ में होगा अगर मैं आपसे कि इंटरपोल बेसिकली इंटरनेशनल पुलिस अगर हम जिसको इसकी फुल फॉर्म अगर हम कहते हैं इसके जो अभी चीफ कौन है उनका नाम भी आप याद रख लीजिएगा नासिर अल रियासी ये यू के हैं तो ये आपको याद रखना है इसमें मीटिंग कहाँ होगी याद रखें हेडकोर्टर्स कहाँ पे होंगे एंड कौन सी मीटिंग होगी नाइनटीन इंटरपोल जनरल असेंबली मीटिंग होने वाली है तो इतना सा आपको याद रखना है फ्रॉम दिस क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ भीमस्टेक भीमस्टेक में कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं सात नेशंस हैं देखो काफ़ी आसान है याद रखना आप अगर बीमस्टेक की फुल फॉर्म जनरल आपको पता होनी चाहिए हेडक्वाटर्स ढाका में है बांग्लादेश की कैपिटल अब देखो कैसे आपको याद रखना है बी फॉर बांग्लादेश बांग्लादेश आई फॉर इंडिया एम फॉर म्यांमार एस फॉर श्रीलंका टी फॉर थाईलैंड तो ये पांच कंट्रीज हो गई ठीक है देन उसके बाद आपको एक याद रखना है नेपाल एंड एक आपको याद रखना है भूटान देखो तो पांच फर्स्ट अल्फाबेट से आप पांच कंट्रीज याद रख सकते हो इजीली फिर आपको एक चीज़ एक और याद रखनी है कि बी फॉर एक और कंट्री होगा ओके okay. तो कॉमन कंट्री अगर मैं बात करूं तो आफ, ऐसे तो काफ़ी कंट्रीज़ होंगी बट uh, भूटान आपके ना आपको सबसे पहले याद आएगा भूटान आप याद रख सकते हो सिक्स कंट्रीज़ होगी देन उसके बाद एम के साथ एम के बाद एम आता है तो एन से आप नेपाल याद रखते तो so, काफ़ी ईजी है ये आप ईजिली याद रख सकते हो अब इस क्वेश्चन में पूछा कि सेक्रेटरी जनरल कौन है जिन्होंने इंडिया में विजिट किया था रिसेंटली यही क्वेश्चन है पिक्चर आपके सामने इनका नाम है जी मिस्टर तैनजिल लेक पेल ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आगे बढ़ते हैं रिसेंटली द नॉर्वेन क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड ये मतलब इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी जो नॉर्वे की है बेसिकली हैज़ अनाउंस टू टेक फोर्टी नाइन परसेंट स्टेक इन थार सूर्या सेकंड फोर हंड्रेड ट्वेंटी मेगा सोलर पावर प्लांट तो ये आपको बताना है कि ये सोलर पावर प्लांट कहाँ पे है कौन से इंडियन स्टेट में है दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन राजस्थान राजस्थान में आइए देखो ऐसे जनरली सोलर प्लांट्स तो काफ़ी ज़्यादा होंगे न्यूज़ में अब जनरली अगर, अगर मैं आप बोलूँ आपको सारी स्टेट्स के याद रखने तो वो दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बट अभी इस तरीके के क्वेश्चंस अब आपको एग्जाम में कहीं इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि थार सूर्या फर्स्ट 420 मेगावाट सोलर पावर प्लांट कहाँ पे है देन आप सोचेंगे कि यार कैसे मतलब कैसे पॉसिबल है कि कोई क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है बट एग्जामिनर जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन ज़रूर रहता है यानी कि वो न्यूज़ में ज़रूर रहता है तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है एंड कहाँ पर आइए एंड uh, राजस्थान में इसकी कैपेसिटी भी आप ध्यान रख सकते ओके okay. आगे बढ़ते हैं रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनाग्रेटेड होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर तो कहाँ पे इसका उद्घाटन किया इंडियन फिजिस्ट थे हमारे होमी बाबा ओके साइंटिस्ट थे बेसिकली अब आपको ये बताना है कि इनका लाइक कहाँ पे इसे इनागरेट किया गया ये आपसे पूछ रहा है तो ये इनागरेट किया गया पंजाब में ये आप सिंपल याद रखें रिसेंटली ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डिसाइडेड टू बिल्ड इंडिया फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप तो कौन सी राज्य सरकार द्वारा डिसाइड किया गया इंडिया का फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप बिल्ड करेगा तो ये करेगा जी यूपी ओके okay, देखो अब देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव क्या है ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन टू द यूथ एंड एक विद दैम वराइटी ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स इन विन वन प्लेस यानी कि एक ऐसी जगह बनाए जहाँ पर प्रोफेशनल स्किल्स हम बिल्ड कर पाए अमंग यूथ एंड बिल्ड ऑन द आइडिया ऑफ सिंगल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट इसका क्या मतलब हो गया सिंगल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट यानी कि आप जब एंटर करें तो आपके पास लाइक यू आर लाइक ए ब्लैंक पेपर एंड जब आप एग्जिट करें तो विद मल्टीपल स्किल्स जब आप जाएँ तो आपको रोजगार ईजली से मिल पाए आप प्रोफेशनली कोई ना कोई चीज़ें सीख के जाएँ तो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव कि सिंगल प्लेस पे ये सारी चीज़ें बनाई जाएँ तो ये है जी यूपी का बेसिकली ऑब्जेक्टिव यूपी में स्टार्ट किया गया ये ओके okay, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है एंड फॉर इंडिया का फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप यूपी में ये आपको यहाँ याद रखना है आगे बढ़ते हैं रिसेंटली इंडिया हैज़ नॉमिनेटेड ये मैंने आपको लाइक डांस फॉर्म लाइक गारबा जो बेसिकली इन स्क्रिप्ट ऑन यूनेस्को इंटेन्जेबल कल्चरल हेरिटेज साइट तो आपको अब ये पूछ रहा है कि टोटल कितनी है देखो अगर ये डांस फॉर्म गारबा अगर इसे इंक्लूड किया जाएगा अगर हो जाएगा नॉमिनेट किया गया तो ये पंद्रह हो जाएंगे टोटल बट अगर मैं प्रेजेंटली पूछूं तो कितनी है टोटल फोटीन है अब सबसे लेटेस्ट हुई थी दुर्गा पूजा आपको याद होगी जो कोलकाता की वेल यहाँ आपको ये सारा मिल जाएगा आई होप आपको यहाँ क्लियरली विजिबल अगर नहीं भी है तो डोंट वरी आपको जब आप पी डाउनलोड करोगे जो डेली प्रोवाइड आपको मैं करता हूँ तो वहाँ से भी आपको ईज़िली मिल जाएगा देखो फोर्टीनथ में यहाँ कुंभ बेला है योगा है देन उसका नवरोज़ फेस्टिवल है तो इस तरीके से ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरी डिटेल आपको 14 मिल जाएगी तो ये आपको ध्यान रखना है अगर ये हमारा गरबा डांस फॉर्म इंक्लूड हो जाता है तो देन 15 हो जाते हैं वो देखने को मिलेगा क्योंकि होगा नहीं होगा 2022 liberty medal will be awarded to among the by the टू Constitution Center USA. द नेशनल से आपने इनको जरूर पहचान लिया वोलोडिमर जैलेंस का ये यूक्रेन के प्रेजिडेंट हैं इनकी ब्रेवरी के लिए इन्हें लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर यूएसएस ये आप ध्यान रखें रिसेंटली हुज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमोलॉजी इसके हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेंगे एंड डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया देबासिस मोहिंते इज द करेक्ट आंसर देबासिस मोहिंटी इसके जो करेक्ट आंसर है ये प्यार रखें रिसेंटली हिंदुस्तान पेट्रोलियम Limited लिमिटेड हैज़ कमन्स कमेंट स्ट एट्स फर्स्ट काउडंग टू कंप्रेस बायोगैस प्रोजेक्ट इन विच ऑर द फॉलोइंग स्टेट तो को कंप्रेस करके बायोगैस प्रोजेक्ट बेसिकली बनाने वाला एच ये फर्स्ट अपना इनाग्रेट किया कहाँ पे किया कौन सी स्टेट में किया यही आपसे पूछ रहा है सो दिस स्टेट इज ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश हु इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्रफुल पटेल थे पहले नाव अब जो न्यू हैं, former गोलकीपर इनका नाम है कल्याण चौबे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके इन्होंने मोहन बगान ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब में रिप्रेजेंट किया कोलकाता को अब इन्हें प्रेजेंट चुना गया सो डेट्स ऑल नाउ जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स में शेयर कर लेता हूं ट्वेंटी सिक्स प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका की रेनल विक्रम सिंघे ये आप याद रखें साइक्लोन असानी जो बे ऑफ बंगाल में लाइक like, एक्टिव था इसका जो ट्विन साइक्लोन है इसका नाम है साइक्लोन करीम ओके कार्बन डेटिंग ऑफ फाइंडिंग ऑफ एक्सकवेशन इन तमिलनाडु हैज फाउंडेड एविडेंस ऑफ आयरन एज ये आप याद रखें एंड उसके बाद ये जो शिंगाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एंटी टेरर जो एंटी टेरर स्ट्रक्चर मीटिंग हुआ दो का इंडिया ने होस्ट किया एंड चीफ मिनिस्टर न्यू त्रिपुरा के बने मानिक साहा तो ये हो गए जी आपके करंट अफेयर्स के जो आंसर्स जो मैंने शेयर किए थे क्वेश्चन फॉर यू सेक्शन में नाउ एक क्वेश्चन और आपके लिए रिसेंटली इंडिया सरपास्ड विच कंट्री टू बिकेम वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तो इंडिया ने किसको सरपास किया है ये आपने बताना है सो गाइज विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके रिविजन हो एक चीज मैं अगेन कहूंगा देखो गाइज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करा करें अब जिस दिन मैं कहता हूँ कि लाइक करना है तो मैं देखता हूँ कि हाँ स्टूडेंट्स लाइक करते हैं जिस दिन मैं नहीं कहता तो उस दिन आप लाइक नहीं करते देखो अब आप सोचेंगे कि सर क्या आप लाइक लाइक रोज़ करते रहते हो लाइक से क्या ही हो जाएगा बट यकीन मानो यूट्यूब के लॉग भाई लाइक से ही चलता है लाइक शेयर से ही इसको पुशअप मिलता है तो इतना तो आप हमारे लिए ज़रूर कर सकते हो एंड इस करंट अफेयर्स के नौ से दस मिनट वीडियो दस से बारह पंद्रह मिनट की वीडियो को बनाने में लगभग मेरे लगभग अगर मैं मिनिमम कहूँ ना तो टू आवर्स लगते लगते हैं आप सोचेंगे कैसे देखो पीपीडीज बनाना सारी चीज़ें टाइप करना क्वेश्चन को ढूंढना एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है अदरवाइज अगर मैं एक एक वर्ड वाले क्वेश्चन तो काफी मिल जाते हैं जो आपको देखो एग्जाम और भी तो चीज़ें होनी चाहिए अदरवाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं बट कितना चीज़ें पढ़ना है वो ज़्यादा आपको पता होना चाहिए यानी कि कितनी चीज़ें पढ़ानी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एंड उसके साथ साथ कितनी चीज़ें छोड़नी है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है okay, ओके तो इसीलिए अपना सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखें लाइक like करना मत भूला करें क्योंकि आपके लाइक like से मुझे अच्छा लगता है तो इतना आप आई होपफुली जरूर करेंगे थैंक यू गैस टेक केयर सी यू सून